सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे चीज़ी वेजी लज़ानिया। इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब अपन टमाटर को छोटे छोटे बारीक बारीक काट लेंगे और इसको अलग रख लेंगे, बट लंबा लंबा भी काटेंगे, लंबा लंबा अपन अब अलग रखेंगे। देन ऐसे ही शिमला मिर्च को छोटा छोटा बारीक बारीक काट लेते हैं और उसको अपन अलग रख देते हैं, लंबा भी काटेंगे। और ऐसे ही अपन अब प्याज ले लेते हैं और प्याज को भी अपन ऐसे ऐसे ही काटते हैं छोटा छोटा। दो प्याज ले लेते हैं, दो को छोटा छोटा बारीक बारीक काटते हैं। एक फ्राई पैन लेते हैं, गरम करके तेल और राई डालते हैं। अब अपन इसको राई की चटकने की जैसी आवाज़ आएगी, उसके बाद अपन इसमें पत्ता गोभी ऐड करते हैं। पत्ता गोभी ऐड हो रही है, मतलब इसमें हम पक रही है, इसको थोड़ा सा और अपन थोड़ी देर उसे पकने देंगे कि अच्छे से गल जाए, कच्ची नहीं रहे बिल्कुल भी, अच्छे से मतलब थोड़ी कटने लग जाए। इसके बाद अपन इसमें अब प्याज और शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। जैसे ही पत्ता गोभी पक जाएगी, अब अपन इनको भी थोड़ी देर कुक करेंगे। अब ये देखो बन रही है, देन अब देखो ये रेडी हो रही है, अभी गल रही है ना सब्जियां, गल गई। अब अपन इसको ना एक प्लेट में अलग निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। अब अपन दोबारा से तेल डालेंगे राई में। मैंने इसको ना छोटी वाली पत्ता गोभी को पका लिया था, देन अब इसमें छोटे छोटे प्याज और शिमला मिर्च काटे थे वो ऐड कर दिए। अब इनको भी पकाएंगे अच्छे से। अब ये इसको मिला लेते हैं अच्छे से, लगे नहीं नीचे। देन इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे, टमाटर ऐड कर दिया। अब अपन इसमें हल्दी, नमक, मिर्च और अपन इसमें ऐड करेंगे वो किचन किंग मसाला, चाउमीन मसाला, हक्का नूडल्स मसाला और थोड़ी सी सॉस डाल के इसको मिलाएंगे। अब ये मिल रही है, देन अपन इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च डालेंगे कलर के लिए। अपन अब इसमें अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने और मिलाया था। ये पाव लेते हैं, पाव को आधा आधा काट के सेक लेंगे। अपन अब ये आधा आधा इसको पहले काटा और इसको मैंने आधा आधा कर लिया था ऐसे। अपन अभी उसी पैन में थोड़ा सा नीचे ना थोड़ा सा तेल डाल के या घी डाल के सीकी वो पाव को लगाएंगे। देन उसके ऊपर मेयोनीज लगाएंगे, थोड़ी सी सॉस लगाएंगे। लाइक घर का बना हुआ लज़ानिया होगा, टेस्टी भी होगा और काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हैं तो थोड़ा बहुत हेल्दी भी होगा। तो अपन इसमें अब पहले एक लेयर लगाई सॉस और मेयोनीज की, उसके बाद अपन ने जो ग्रेवी बनाई थी उसकी, फिर इसके बाद जो हमने सब्जियों को फ्राई किया तो थोड़ा सा गला लिया था ना, उसके बाद उसकी ऊपर से लेयर लगा देंगे। अभी ये हो गया, उसके बाद अपन ने फिर से थोड़ी सी और लगाई, उसके बाद चीज़ डाल दिया। चीज़ डालने के बाद में फिर एक और लेयर ना अपन पाव की लगाएंगे, फिर सेम स्टेप्स ना रिपीट करेंगे, वही ग्रेवी लगाएंगे। ग्रेवी लगाने के बाद में थोड़ी सी अच्छे से ग्रेवी लगा के सब्जियाँ थी उनको लगाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर से दोबारा ग्रेवी, ग्रेवी के बाद सॉस, मेयोनीज वगैरह, चीज़ डालेंगे, अच्छे से चीज़ को स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ और अच्छे से लगा देंगे। देन अब अपन इसमें ना ऑरिगेनो मसाला, ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स वगैरह डाल देंगे और देखो अभी इसे थोड़ी देर पकाएंगे गैस पे, बिल्कुल 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 मद्दी वाली गैस पे। देन देखो ये पक ये बन गया, कितना ज़्यादा टेस्टी है ये, बहुत ज़्यादा चीज़ी था, टेस्टी था। सीरियसली मुझे पाव की ये बेस्ट रेसिपी लगी, ये बहुत ज़्यादा चीज़ी था, काफ़ी टेस्टी था। आप भी इसको ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और बताना ही कैसी लगी, और ट्राई तो ज़रूर ज़रूर करना। अब मेरी वीडियो को लाइक करें, लाइक सारी वीडियोस को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और जितने भी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स हों उनको मेरी वीडियो शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। Thank you.